नमस्कार, मी विलास बडे, न्यूज 18 लोकमंचा या बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. बुलेटिनच्या सुरुवातीला बातमी आहे बंगालमध्ये सुरू असलेल्या प्रचंड हिंसाचाराची. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर पुन्हा एकदा तिथं हिंसाचार उफाळून आलेला आहे आणि अनेक हिंसाचाराच्या घटना समोर आलेल्या आहेत. गेल्या 2 दिवसात घडलेल्या हिंसाचाराबद्दल भाजपनं चिंता व्यक्त केली आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखर यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. बंगालमधील कायदा सुव्यवस्थेबद्दल पंतप्रधानांनी चिंता व्यक्त केली आहे. तृणमूल काँग्रेसचे समर्थक भाजपा समर्थकांच्या घरांवर कार्यालयांवर हल्ले करत असल्याचा आरोप भाजपनं केलेला आहे. आतापर्यंत या संपूर्ण हिंसाचारामध्ये 11 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाल्याची सुद्धा बाब समोर आलेली आहे, तसा आरोप करण्यात आलेला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या नंतर सुद्धा हा हिंसाचार थांबत नाहीये. पश्चिम बंगालमधल्या आमच्या प्रतिनिधीने तिथल्या परिस्थितीचा आढावा घेतलेला आहे, जाणून घेऊया. तस्वीरें बंग भवन के सामने की है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, एमपी मीनाक्षी लेखी, एमपी रमेश भिदूड़ी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, विधायक हैं, ये तमाम लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. और यहां बात करने की भी अगर कोशिश करें तो मीनाक्षी लेखी जी से बात करते हैं. मैम, कोरोना का टाइम और ऐसे में आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है और कैसे मेंटेन कर रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल हम बंद कर रहे हैं, सबने डिस्टेंस भी रखा हुआ है और मास्क भी लगाए हुए और हमारी संख्या भी बहुत कम है. लेकिन ये मैसेज देना बहुत जरूरी था और मजबूरी समझिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है पश्चिम बंगाल में. और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेफ्ट के, कांग्रेस के सब लोगों को मारा जा रहा है. और बिल्कुल याद आता है डायरेक्ट एक्शन डे, जो कि जिन्हा ने कॉल किया था. और आज टीएमसी जिन्हा की मुस्लिम लीग के बराबर खड़ी है और जहां जहां इन लोगों के लोग बैठे हैं वहां वहां. याबद्दल अधिक माहिती दे. भाजपचे अध्यक्ष जे पी नड्डा हे बंगालच्या दौऱ्यावर तातडीने पोहोचलेले आहेत आणि त्यानंतर ते माध्यमांशी संवाद साधतायत. अपने निवासस्थान पर आपने देखा होगा कि चुनाव के नतीजे निकलने के पश्चात किस तरीके से टीएमसी के गुंडे और टीएमसी के गुंडे कार्यकर्ता वो हरण अधिकारी के घर में गए, घुस करके पहले अंदर घर में तोड़फोड़ की, महिलाओं को धमकाया, बच्चों को धमकाया, उनके ऊपर अटैक किया. और मिसेज हरण अधिकारी, जो हरण अधिकारी की पत्नी थी, उनके मुंह पर वार किया, उनका दांत तोड़ दिया और बाद में हरण अधिकारी को वहां से निकालकर घसीटते हुए, पीटते हुए इस रास्ते से उसको ले गए और रास्ते में पीटते पीटते उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गए. मैं यहां बताना चाहता हूं कि जो ममता जी चुनाव जीतने के बाद जो आपकी पार्टी ने जो तांडव किया है वह बताता है कि आपको प्रजातंत्र में कितना विश्वास है. और टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि ये सारे घटना ये सोशल मीडिया में फेक न्यूज है. मैं चाहूंगा कि आपके कैमरे यहां से मेरे साथ गए थे और आपने देखा है श्रीमती हरण अधिकारी जी को किस तरीके से वो रो रही थी, उनका बच्चा बिलख रहा था और किस तरीके से उन्होंने सारी बातें हमारे सामने रखी हैं. मैं इसलिए आपसे निवेदन करूंगा मीडिया के लोगों से कि आप निष्पक्ष और सच्ची बात सारे देश को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर तानाशाही कहा था तो वो तानाशाही हमको दिख रही है. अगर हमने टोलाबाजी कहा था तो ये टोलाबाजी के ही सदस्य हैं जिनको ये डर था कि बीजेपी आएगी तो उनका
दाना पानी समाप्त होगा और उनको ये टोलाबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। हमने कहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। अभी अभी लोग यहाँ पर बता रहे थे, उन्होंने नाम लेकर के कहा है, नाम की लिस्ट मुझे दी है और इनमें से एक भी व्यक्ति अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। ये बताता है कि यहाँ का कानून व्यवस्था, ये लिस्ट दी है जिसमें उनकी पत्नी ने बताया है कि कौन व्यक्ति आया था, किसके नेतृत्व में लड़ाई हुई, किन लोगों ने पीटा मारा और मारते मारते उनकी जान ले ली। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ करोड़ों पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और उनकी शहादत जायर नहीं जाएगी। प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ करके ऐसी विचारधारा को उखाड़ फेंकेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। सर, महिलाओं की तस्वीरें बहुत ही अलग तरीके से आ रही है। एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर मैं सब जगह जा रहा हूँ। हमारे महामंत्री आए हैं, हमारे दिलीप घोष जी हैं, हमारे लॉकेट चैटर्जी जी हैं, हमारी कैंडिडेट हैं, यहाँ से राहुल सिन्हा हैं, मुकुल दा हैं, सब लोग सभी कार्यकर्ताओं के घरों में जाएंगे और उनके परिवार को धारस भी देंगे, उनकी न्याय की लड़ाई अंतिम मोड़ तक लड़ेंगे और उनको न्याय भी दिलाएंगे और यहाँ बंगाल में न्याय स्थापित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। जहां तक बात आपने महिलाओं की है तो मैंने पहले भी कहा था, ममता जी के राज में सबसे ज्यादा रेप केसेस हुए। हमारे 3 दिन के अंदर 2 रेप केसेस टीएमसी के गुंडों के द्वारा हुआ है, गैंग रेप हुआ। अभी तक 11 लोगों की हुई है। सबसे ज्यादा एसिड अटैक्स यहाँ पर हुआ, सबसे ज्यादा वायलेंस यहाँ पर हुआ, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पर हुआ। महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, सबसे ज्यादा चाइल्ड ट्रैफिकिंग यहाँ हुई है। ममता जी को इन सब चीजों के लिए लड़ने के लिए सोचना चाहिए था, तो उन्होंने वही फिर से टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही शुरू कर दी है और भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रहने वाली है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और हम प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं है। और डरने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि डराने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप में वो ताकत नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी को रोक सके। बंगाल में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और उनके समर्थन को लेकर के जिनका नहीं मिला है उनको भी धन्यवाद मैं जरूर देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बंगाल की शांति और बंगाल की संस्कृति, ये बंगाल की संस्कृति है जो मैं देख रहा हूँ चुनाव के नतीजे के बाद। यही तो मैं बोलता था, मेरी बात तो सच हो गई। और 5 बजे नतीजे आने शुरू हुए और 8 बजे घटना घट जाती है, तांडव नृत्य शुरू हो जाता है गुंडागर्दी का, तो यह बताता है कि बंगाल की संस्कृति ममता जी नहीं रिप्रेजेंट करती है, हम बीजेपी वाले करते हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। और न्याय तरीके से, न्यायोचित तरीके से चुनाव ये लड़ाई। विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचाराचा आगडोंब उसळलेला आहे आणि या सगळ्या परिस्थितीवर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुद्धा राज्यपालांकडून याची माहिती घेतली आहे। भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुद्धा पश्चिम बंगालमध्ये पोहोचलेले आहेत आणि आपण अशा हिंसाचाराला घाबरणार नाही असं म्हटलेलं आहे आणि आता या सगळ्याबद्दल भाजपनं सुद्धा आक्रमक भूमिका घेत देशभर याचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन करणार असल्याचं सांगितलेलं आहे। महाराष्ट्राची परिस्थिती नेमकी काय, महाराष्ट्रातून याच्याबद्दल नेमकं काय आंदोलन केलं जात आहे याबद्दल अधिक माहिती देण्यासाठी आपल्यासोबत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आहेत। प्रवीणजी, जे काही पाहायला मिळालं गेल्या 2 दिवसात पश्चिम बंगालमध्ये ते खरोखरच लांछनास्पद आहे, पण अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये आता भाजपचं पुढचं पाऊल नेमकं काय असणार आहे? नाही, खरं म्हणजे बंगालच्या संस्कृतीला काळीमा फासण्याचं काम तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते ममताजीच्या नेतृत्वाखाली करताना दिसत आहेत। खरं म्हणजे देशानं ममताच्या विजयासंदर्भात गेले 2 दिवस कोडकौतुक सुरू केलं होतं, त्या अख्खा विजय अख्खा आनंद आज मातीमोल करून टाकलेला आहे। आणि आतापर्यंत ज्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी रक्ताचे पाठ या ठिकाणी वाहत होते, पहिलं कम्युनिस्ट करत होते नंतर ममता करत होते, आता ती परंपरा पुन्हा त्या ठिकाणी ममता दीदींनी सुरू ठेवली
आणि मला वाटतं याचा निषेध करावा तेवढा त्या ठिकाणी थोडा आहे. सत्तेचा मार, सत्तेची मस्ती अशा प्रकारची या देशामध्ये कधीच त्या ठिकाणी पाहिली गेलेली नाही. आणि आज आपण बघाल की कशा प्रकारची राजवट या ठिकाणी होती. ज्या राजवटीला छेद देण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीनं ताकदीनं केला, भारतीय जनता पार्टीने यशही चांगलं मिळवलं जरी सत्ता नसेल, मतदान मोठ्या प्रमाणावर मिळवलं, आणि आता सत्ता आल्यानंतर सत्तेचा उन्माद या ठिकाणी ममता दीदीचे आणि त्या ठिकाणी तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते आज लोकांना मारहाण करत, घरं जाळत, वार करत, महिलांची छेडछाड करत, त्यांना दुखापत करणं हे मला वाटतं आपल्या देशाला जराही शोभणारं कृत्य आज बंगालच्या भूमीतनं तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केलेलं नाहीये. आणि संपूर्ण देशवासियांना याची या ठिकाणी घृणा आहे. म्हणजे ममतांनी आपल्याला विजय त्या ठिकाणी पचवायला पाहिजे होता, परंतु त्या ठिकाणी विजय पचवण्याऐवजी त्या ठिकाणी धुमाकूळ घालतायत. म्हणूनच नंदीग्रामला त्या ठिकाणी ममता दीदींना पण लोकांनी पराभूत केलं, जे ज्यांच्या पक्षाचं सरकार आलं परंतु प्रतिनिधी स्वरूपात ममताला पराभूत त्या ठिकाणी केलं गेलं. मला वाटतं अशा प्रकारचा सत्तेचा उन्माद देशामध्ये निवडणुकीत कुठेच झाला नाही. आणि आतापर्यंत बऱ्याचदा पश्चिम बंगालमध्ये अशा प्रकारचं हिंसक वातावरण पाहायला मिळालेलं आहे, पण जेव्हा निवडणुका होतात, निकाल येतात,